अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वर्ग विशेष के बारे में तमाम घृणास्पद धारणाएं परोसी जा रही हैं, लेकिन आज मुस्लिम बाहुल्य रिसाड़ी गेट पर तमाम लोगों ने फूल बरसाकर मेरठ पुलिस का हौसला अफजाई किया। इन लोगों ने मेरठ पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि मेरठ पुलिस बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। इन लोगों का नेतृत्व कर रहे खान मोहम्मद ने कहा कि वह हमेशा मेरठ पुलिस के लिए तत्पर हैं। इस मौके पर एसएसपी अजय साहनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज को ही रोकने के लिए आगे आना होगा। देश में विदेश में इन दिनों कोरोना वायरस का प्रकोप है। लॉकडाउन के चलते सड़कें वीरान हैं, लोग घरों में कैद होने के लिए विवश हैं, काम धंधे रोजगार सभी ठप पड़े हैं। ऐसे में मेरठ पुलिस असहाय व गरीब लोगों के लिए सहारा बनकर उभरी है। एसएसपी अजय साहनी के नेतृत्व में पूरे जिले के तमाम थानों से गरीबों को खाना वितरित किया जा रहा है। पुलिस लाइन में बड़े पैमाने पर मास्क तक बनाए जा रहे हैं। नौचंदी थाने में बकायदा कढ़ाई चढ़ी हुई है और बराबर लोगों को खाना बांटा जा रहा है। मेरठ पुलिस का यही ध्येय है कि बिना वजह लोग घरों से ना निकलें और कोई बेसहारा भूखा भी ना सोए। इसे लेकर चारों तरफ मेरठ पुलिस की वाहवाही भी हो रही है। आज मुस्लिम बाहुल्य इलाके लिसाड़ गेट पर तमाम लोग अपने घर की खिड़कियों में जमा थे और इन सब का तिरंगा हाथ में लेकर खान मोहम्मद नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी का काफिला उधर से गुजरा, काफिले पर गुलाब के पंखड़ियों की बरसात शुरू हो गई। यह देख एसएसपी अजय साहनी और एसपी सिटी अखिलेश नारायण भी कार से निकल आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम देते हुए एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे तत्व को रोके जाने की जरूरत है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं अजय साहनी और इसके बाद खान मोहम्मद। आप पुलिस का एहसान मानते हैं तो बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं, उन्हें मालूम होता है दुश्मन कौन है। और मेरठ पुलिस अपनी जान हथेली पे लेकर हमारे लोगों की मदद कर रही है, हमारी जान आप पे कुर्बान, मेरठ पुलिस जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पुलिस 24 घंटे सेवा में तत्पर है, लोगों को खाना पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, तमाम बीमार लोग हैं जिनको गाड़ियों से हॉस्पिटल पहुंचाना। इसके साथ ही जो पुलिस की ड्यूटी है वो भी यहाँ पुलिस के सभी जवान निरंतर बहुत परिश्रम से कर रहे हैं। जनता भी इनकी इस ड्यूटी की तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है। और आज कई इलाकों में जहाँ की पुलिस राउंड ले रही थी वहाँ कई लोग छतों पर आए और बाहर से पुलिस के ऊपर इन्होंने फूलों की बारिश की। हिंदू मुस्लिम से दूर होकर सभी लोग पूरी तरह से कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह लॉकडाउन को सफल बनाएंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे और सभी पक्ष इसमें पूरी तरह से पुलिस के साथ हैं। इसका परिणाम है कि हम लोग स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी सबसे यही अपील है कि सब लोग ये नियम कानून का पालन करें, लॉकडाउन जब तक है तब तक उसको बनाए रखें। मेरा नाम खान मोहम्मद है, हम मेरठ पुलिस का सम्मान करना चाहते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, उन्हें मालूम होता है दुश्मन किधर से आएगा। ये मेरठ की पुलिस अपनी जान हथेली पर लेकर सारे अवामों की खिदमत कर रही है। हम मेरठ पुलिस के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मेरठ पुलिस जिंदाबाद। पुलिस के कप्तान साहब आए थे, हमने उनका स्वागत किया है, इस तरह से स्वागत किया है, हमने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी है, उनका सम्मान किया है, वो मेरठ के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भारत माता की जय।